ई e कॉमर्स की फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग से बेस करता बिजनेस प्रोजेक्ट ई पाकिस्तान जिसका वेब एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ई पाकिस्तान एक एफ बी आर रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि एक हेड ऑफिस और एक वेबसाइट के थ्रू पूरी दुनिया में काम कर रही है इस बिजनेस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है बल्कि ये काम एक परचेजिंग से शुरू होता है जो जिंदगी में एक दफा आपको अपनी पॉकेट से करनी है और लाइफ टाइम इस बिजनेस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाना है अगर आप मेंबरशिप कार्ड बाय करके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आपको सेवन फिफ्टी पे करना है मेंबरशिप कार्ड दरअसल डिस्काउंट कार्ड है जिससे एक साल ऑनलाइन शॉपिंग पर थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है और अगर आप टेंजिबल प्रोडक्ट्स में से कुछ बाय करके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं जो आप ऑनलाइन ई स्टोर में देख सकते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स में रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम प्रोडक्ट्स हैं जो आप अक्सर औकात मार्केट से परचेज़ करते रहते हैं लेकिन बदले में कोई अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं होती लेकिन यही प्रोडक्ट जब आप कंपनी के ऑनलाइन ई स्टोर से परचेज़ करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ लाइफ चेंजिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ई पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए आप एक दिन के तीन सौ रुपए से छत्तीस सौ रुपये तक कमा सकते हैं जो कि एक बहुत हैंडसम इनकम है और वो भी पार्ट टाइम काम करते हुए कंपनी आपकी अर्निंग रोजाना की बेसिस पर पे करती है इसके लिए आपको महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ता बल्कि आपका आज का प्रॉफिट आज ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपने मेंबरशिप कार्ड खरीदा या कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से परचेजिंग की परचेजिंग के साथ ही आपको ई पाकिस्तान वेबसाइट पर एक अकाउंट की सूरत में वर्चुअल ऑफिस मिल जाता है इस ऑफिस में आपके पास लेफ्ट और राइट right दो साइड्स हैं। ऑफिस के साथ कंपनी एक अर्निंग प्लान भी देती है कंपनी कहती है कि आप वन लेफ्ट वन राइट जैसे ही कंप्लीट करते हैं आपको दो सौ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अब ये वन लेफ्ट और वन राइट क्या है ये आपको बताता हूँ अपना ऑनलाइन अकाउंट हासिल करने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट इसी तरह अपनी जान पहचान के लोगों में शेयर करना है जैसे आपके साथ शेयर किया गया है और अपनी ही तरह कुछ दोस्तों को अपने साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल करना है जो आप ही की तरह थर्ड क्वार में शामिल होकर एक बिजनेसमैन बनना और अर्निंग हासिल करना चाहते हैं आपने मिस्टर ए को अपने लेफ्ट साइड पर और मिस्टर बी को अपने राइट right साइड पर इंट्रोड्यूस करवाया मिस्टर ए और मिस्टर बी ने अपनी मर्जी से परचेजिंग की और अपना ई अकाउंट हासिल किया जैसे आपने हासिल किया था इस तरह एक मेंबर आपकी लेफ्ट साइड पर और दूसरा मेंबर आपकी राइट right साइड पर मौजूद है जिससे आपका वन लेफ्ट और वन राइट right मैचिंग कम्पलीट हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से वन लेफ्ट और वन राइट right पर दो रुपए मिलने चाहिए लेकिन कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए पहले वन लेफ्ट और वन राइट पर पूरे तीन सौ रुपए ट्रांसफर कर देती है और इस स्टेप का नाम है बोनस स्टेप यानी कंपनी पहले वन लेफ्ट और वन राइट पर तीन सौ रुपए और उसके बाद हर वन लेफ्ट और वन राइट पर दो सौ रुपए के हिसाब से इनकम पे करती है वो लोग भी कुछ नए लोगों को इस बिजनेस में शामिल करेंगे जैसे कि मिस्टर सी और मिस्टर डी को मिस्टर ए ने शामिल किया और मिस्टर ई e और एफ को मिस्टर बी ने शामिल किया ऐसा करने से मिस्टर ए और मिस्टर बी ने अपना अपना वन लेफ्ट और वन राइट कंप्लीट किया और अपने बोनस स्टेप हासिल किए और इस तरह आपकी डाउन लाइन में मजीद दो लेफ्ट और दो राइट लोग आ गए जिससे आपके भी दो नए पेयर्स या बाइनरी कंप्लीट हो गए आप लाए थे मिस्टर ए को और मिस्टर बी को जैसे ही मिस्टर ए ने अपने दो फ्रेंड्स और मिस्टर बी ने अपने दो फ्रेंड्स को मुतार करवाया कंपनी ने मिस्टर ए को भी वन वन लेफ्ट और राइट पर तीन बोनस टैप पे कर दिया और मिस्टर बी को भी बोनस टैप पर तीन सौ रुपया पे कर दिया यानी कंपनी हर नए आने वाले शख्स को पहली दफा अपना वन लेफ्ट और वन राइट कंप्लीट करने पर तीन सौ पे करती है मिस्टर ए और मिस्टर बी का प्रॉफिट बोनस टैप की सूरत में तीन सौ रुपया आप पहले ही रिसीव कर चुके हैं उनके बाद दो लोग आपके लेफ्ट साइड पर और दो लोग आपके राइट साइड पर आ चुके हैं जिससे आपके दो नए या बाइनरी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको इनके स्टेप रिवार्ड्स दो दो भी साथ-साथ मिल चुके होंगे जैसे ही मिस्टर सी ने आगे एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया और राइट साइड पर मौजूद मिस्टर एफ ने एक दोस्त को शामिल किया जिससे आपका वन लेफ्ट और वन राइट मैचिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वादे के मुताबिक आपको स्टेप रिवार्ड दो सौ रुपया रिसीव हो जाएगा अब आप एक सिस्टम बना चुके हैं और ये वो स्टेज है जहां आप कह सकते हैं पीपल्स वर्क फॉर यू काम मजीद आगे बढ़ता जा रहा है और आपकी डाउनलाइन में मौजूद लोग आपकी मदद से अपना वन बाय वन कंप्लीट करते जा रहे हैं आपकी लेफ्ट और राइट साइड पर वन बाय वन की मैचिंग कंप्लीट होने पर आपको दो दो सौ रुपया रिसीव होते जा रहे हैं अब आपका बनाया हुआ सिस्टम और भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आपके साथ साथ आपके सिस्टम में शामिल होने वाले लोग भी प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान हमारे रेगुलर कमीशन के साथ सेविंग्स का भी ख्याल करती है कंपनी 100 बाई 100 तक हर पेयर पर दो सौ रुपया और 100 बाई 100 के बाद हर पेयर पर एक सौ रुपया ट्रांसफर करती है और बाकी का जमा होता रहता है जो आपको स्टार लेवल पर जाकर इकट्ठा मिल जाता है या आप इसे किसी भी वक्त कंपनी के ऑनलाइन ई स्टोर से शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ देर के लिए फर्ज करें आपने मिस्टर अली और मिस्टर बाबर को इंट्रोड्यूस करवाया मिस्टर अली ने आगे बहुत अच्छे से अपनी टीम बनाई और इसे लीड किया लेकिन मिस्टर बाबर अपने एग्जाम्स या शादी में बिजी हो गए और उन्होंने इस काम पर कोई तोज्जा नहीं दी मिस्टर अली एक साइड पर बीस और दूसरी साइड पर सत्ताईस लोगों की टीम बना चुके हैं बीस बाई बीस की मैचिंग पर मिस्टर अली चार हजार रुपये कमा चुके हैं मिस्टर अली आपके बाद में आए और उन्होंने चार हजार रुपये कमाए और आप मिस्टर अली से पहले आए लेकिन आपने कमाए सिर्फ तीन सौ रुपये जो कि आपने वन बाय वन पूरा करने पर हासिल किए थे यानी इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि पहले आने वाला शख्स ज्यादा कमाता है और बाद में आने वाला शख्स कम जो काम को समझ कर और सीख कर करता है वो अर्न करता है आप मिस्टर बाबर को बगैर बताए डायरेक्ट अपने रेफरेंस से उनके एक साइड पर एक शख्स को ज्वाइन करवा दें अब वो न्यू शख्स आगे वर्किंग करता है और वो रुकी हुई साइड आगे बढ़ती चली जाएगी और आपके रुके हुए कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे ये बिजनेस कहीं पर भी नहीं रुकता जहां रुक सकता था वो आपको बता दिया और उस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है ये भी समझा दी अब प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्सा में आपको प्रोजेक्शन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ और अब आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट क्यों कहते हैं कि लाइफ चेंज करनी है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ जब आप इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो वर्किंग के लिए आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड मिलती है फर्ज करें आपको इस बिजनेस में शामिल होने के बाद थर्टी डेज का टाइम दिया जाए कि आप अपने दो दोस्तों को शामिल करके अपना बोनस स्टेप हासिल करें थर्टी डेज वाली कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है ये जस्ट एक कैलकुलेशन है हम एक फर्जी टाइम सेट कर रहे हैं और आपके साथ शामिल होने वाला हर शख्स भी अपनी ज्वाइनिंग के बाद सेम आपकी तरह ही थर्टी डेज में अपने हिस्से के दो मेंबर ज्वाइन करवाता जाए तो एक साल बाद आप किस लेवल पर होते हैं आए देखते हैं आपने ज्वाइन किया और थर्टी डेज में अपने दो फ्रेंड्स ए और बी को शामिल किया अब ए और बी भी आप ही की तरह थर्टी डेज में अपने दो दो दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके सेकंड मंथ में आपके ट्री में चार नए लोग शामिल हो गए आपका थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो उनका अभी फर्स्ट मंथ है और जब उन चार ने अपने अपने दो फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया तो थर्ड मंथ में आपकी डाउन लाइन में आठ नए लोग शामिल हो गए और जब इन आठ ने भी अपने आने के बाद फर्स्ट मंथ में अपने दो दो न्यू साइन अप करवा के अपना बोनस स्टेप हासिल किया तो आपका फोर्थ मंथ है और आपके ट्री में सोलह न्यू ज्वाइनिंग हो गई आपका फिफ्थ मंथ स्टार्ट हुआ तो सोलह की दो दो ज्वाइनिंग्स की वजह से बत्तीस लोग आपकी डाउन लाइन में आ गए सिक्स मंथ में चौसठ न्यू लोग ज्वाइन हो जाएंगे सेवन मंथ आया तो एक सौ अट्ठाईस न्यू मेंबर शामिल हुए एट्थ मंथ आया तो दो सौ छप्पन न्यू मेंबर आए आपका नाइन्थ मंथ स्टार्ट हुआ तो 512 सौ बारह नए लोग आए इनमें ऊपर वाले ऐड नहीं हैं नाइन मंथ में पांच सौ बारह ने जब थर्टी डेज में अपना वन बाई वन कम्प्लीट किया तो आपका टेन मंथ था और आपके ट्री में एक हजार चौबीस न्यू लोग शामिल हो चुके हैं अलेवन मंथ में दो हजार अड़तालीस और ट्वेल्व मंथ में चार हजार छियानवे और अगर इन सब को जमा कर दें तो ट्वेल्व मंथ में तकरीबन आठ हजार लोग आपके बनाए हुए सिस्टम में शामिल हो चुके हैं जो काम तो अपने लिए कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा आपको भी होता है और ये वो लेवल है के पीपल्स वर्क फॉर यू अब आप एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जहां आपके लिए मोर देन 400 हंड्रेड आवर्स काम होता है और आप थर्ड के हिसाब से एक बिग बिजनेसमैन भी बन चुके हैं इन आठ हजार में से चार हजार आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और चार हजार आपके राइट हैंड साइड पर है। कंपनी के वर्किंग प्लान के हिसाब से हंड्रेड बाई हंड्रेड के बाद हर पेयर पर एक सौ रुपया मिलता है दो बाई दो पे दो सौ और चार बाई चार पे चार सौ रुपया बनता है और जब आपका काउंटर चार हजार बाई चार हजार है फार्मूले के मुताबिक जितने पेयर्स उतने सौ तो आपने चार हजार से चार लाख रुपए अर्न कर लिए आपसे नेक्स्ट पे मौजूद हर शख्स ने दो लाख अर्न किए और उससे नेक्स्ट पे मौजूद हर शख्स ने एक लाख अर्न किए और सबसे नीचे जो लोग अभी शामिल हुए हैं उन्होंने भी दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने भी अपना बोनस टैप तीन तीन सौ रुपया हासिल कर लिया और यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि एक साल के बाद आठ हजार लोगों में से फिफ्टी परसेंट लोग ड्यू टू एनी रीजन काम नहीं करते तो आपके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दो हजार बाई दो हजार लोग बचे हैं इनके भी अगर फिफ्टी परसेंट लोग एक्टिव हो जाएं, और रोजाना की अपने साथ सिर्फ एक एक एंट्री कर दें तो एक हजार लेफ्ट और एक हजार राइट डेली लोग आपके सिस्टम में शामिल हो रहे होते हैं और फार्मूला के हिसाब से जितने लेफ्ट और राइट मैचिंग उतने सौ तो आपका एक दिन का प्रॉफिट बनता है यानी एक लाख रुपया यकीनन ये बहुत ज्यादा है और इसीलिए कंपनी कहती है कि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपको एक दिन का मैक्सिमम छत्तीस सौ रुपया मिलता है बाकी का कंपनी के पास जाता है जिसमें वो बाकी के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अब यहाँ हम मजीद वर्स कंडीशन को भी फर्ज कर लेते हैं कि अगर सेवेंटी परसेंट लोग काम करना छोड़ देते हैं तो क्या कंपनी या हम नुकसान में जा सकते हैं और अगर आठ हजार में से 80% परसेंट लोग काम करना छोड़ देते हैं और अगर नाइन्टी परसेंट लोग काम ना कर रहे हों अगर हम फर्ज करें कि 99% नाइन परसेंट लोग निन्यानवे फीसद लोग काम नहीं कर रहे और सिर्फ वन परसेंट एक फीसद एक्टिव हैं तो ये वन परसेंट लोग पाँच दस या बीस नहीं सिर्फ एक एक एंट्री अपने साथ एक दिन की लगा देते हैं तो 40 लोग लेफ्ट साइड पर और 40 लोग राइट साइड पर रोजाना नेटवर्क में शामिल हो रहे होते हैं कैलकुलेशन के मुताबिक जितने पेयर्स उतने सो तो 40 बाई चालीस पर चार हजार रूपया आपका एक दिन का प्रॉफिट बनता है क्या ये सारा मिल जाएगा नहीं एग्रीमेंट के मुताबिक छत्तीस सौ रूपया आपको मिलेगा और बाकी का कंपनी के पास द मोस्ट वर्स कंडीशन में भी आप पर डे मैक्सिमम लिमिट तक कारण कर का रहे होते हैं ये है वो सिस्टम जिसमें आप रेस्ट पे हों या लीव पर फिर भी आपका लगाया हुआ काउंटर आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा होता है इसलिए हम अर्निंग के लिए थर्ड क्वाड्रेंट का इंतखाब करते हैं अगर कोई शख्स इतना भी नहीं कर सकता तो वो सारी जिंदगी किसी ना किसी की मुलाजमत करता रहेगा सारी जिंदगी अपने ख्वाबों को गला घोंटता रहेगा पहले अपने माँ बाप की आंखों में हसरत देखेगा कि वो कुछ ख्वाहिश करें और वो उसे पूरा ना कर सके फिर अपने बीवी बच्चों की आरजुओं का गला घोंटेगा तन्हाई में बैठ के रोएगा जब मां बाप दुनिया से गुजर जाएंगे तब कोसेगा अपनी किस्मत को लेकिन वक्त निकल चुका होगा क्योंकि अब भी अगर किसी को ये लॉजिकल पॉइंट समझ नहीं आते जो मैंने डिटेल से आपके सामने शेयर किए, तो वो दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता बस इतना याद रखें एक कहावत है अगर आप अपने ख्वाबों को ताबीर नहीं देंगे तो कोई और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए आपकी खिदमत खरीद लेगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आप एक दफा प्रेजेंटेशन देखने के बाद उस शख्स को कांटेक्ट कर लें जिसने आपको इस फॉरम पर रेफरेंस आईडी दिया था वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं विश यू बेस्ट ऑफ लक अब आपके पास कोई भी सवाल हो इस थीम से रिलेटेड इस वर्किंग से रिलेटेड इस फॉरम से रिलेटेड आप वो रिटर्न फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं वॉइस कॉल पर भी पूछ सकते हैं और यहां पे मौजूद ट्रेनर्स आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे थैंक यू वेरी मच